मैं इस मंच को देख रही थी तो जब आए थे हम लोग तो पूरा सभागार भरा हुआ था और बहुत खुश थी कि आज ही आबादी यहाँ विराजमान है। और शिक्षा की बात तो बहुत हो रही है, सुबह से सुन रही हूँ, लेकिन जिसकी असली शिक्षा की बात होनी चाहिए थी वो अब गायब है। कहते बाबा साहब ने त्रिसूत्र जो दिया था उसका पहला जो प्राथमिक सूत्र उन्होंने रखा था वो था शिक्षा। और वो जो पत्थर को उछालने की बात है वो शिक्षा ही बताती है कि आपको कहाँ पर पत्थर उछालना है। हम स्त्रियों की बात मैं कर रही थी, हमारी माताएं थी, बहनें थी, अभी बच्चियां भी बैठी हुई हैं, तो जो नींव किसी समाज की डाल रही हैं वो सबसे बड़ी जो नींव है वो है हमारी स्त्रियां। घर परिवार में जो चेतना लाती हैं, जो जागरूकता लाती है, बेसिकली जो कार्यक्रम मैं देख रही हूँ उसकी पूरी संरचना को अगर पकड़े तो ये जागरूक अभियान है। और जागरूक अभियान के लिए सबसे जरूरी जो बात है वो है शिक्षित होना। अब वो शिक्षित होने के लिए सबसे जरूरी है महिलाओं का शिक्षित होना। एक स्त्री जब तक शिक्षित नहीं होगी, एक महिला जब तक इस मामले में सक्षम नहीं होगी तो वो समाज को कोई अच्छी सेवाएं नहीं दे पाएगी, अपने समाज की बात नहीं कर पाएगी और समाज को अच्छे नागरिक नहीं दे पाएगी। इसलिए बेटियों को आत्मनिर्भर करने के लिए, जिसकी ओर बार बार विनय जी इशारा कर रहे थे, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ गेन करना, आत्मनिर्भर होना, तो उसके लिए जब तक स्त्रियां ही आत्मनिर्भर नहीं होंगी, पढ़ी लिखी नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होंगी, तो कैसे हम इस संघर्ष तक पहुंच पाएंगे। आप मेरा भी 20 साल का अनुभव है नौकरी के दौरान और आप लोगों का भी अनुभव होगा। आप देखिए, हम जिनको गाली रोज निकाल रहे हैं, स्वर्णों को गाली निकाल रहे हैं, उनके लिए शिक्षा का द्वार खोलने वाली एक दलित महिला ही थी और वो थी सावित्री बाई फूले। माता सावित्री बाई फूले ने अगर वो अधिकार उन स्त्रियों को नहीं दिया होता तो आज आपके सामने तीसरी चौथी पीढ़ी जो आपको स्वर्णों की स्त्रियों की दिखाई दे रही है कि वो रिटायर हो रही हैं और पढ़ी लिखी हैं, हर जगह पर वो ऊंचे ऊंची जगह पर काबिज हैं और इसीलिए वो हर जगह पर सत्ता का केंद्रीकरण करके बैठी हुई है। मैं 20 साल से कॉलेज में हूँ और आज तक मुझे जो वहाँ झेलना पड़ता है मैं उसको जिस तरह से महसूस करती हूँ मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो ज़रूरी है हमारी बच्चियों को, आप बच्चियाँ तो नहीं हैं, स्त्रियाँ भी नहीं हैं यहाँ पे, तो मेरी आप लोगों से खास गुजारिश है, भाइयों से, कि घरों में ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि बच्चों को भले आप कितना भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, अपनी पत्नियों को इतना जागरूक कीजिए, अपनी बच्चियों को इतना जागरूक कीजिए कि वो समाज में सम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर के खड़ी हो। और जिनकी हम बात बार बार कर रहे हैं उनसे हम बुद्धि के बल पर, मानसिक स्तर पर लड़ सकें, क्योंकि लड़ाई की जो हम बात बार बार कर रहे हैं, संघर्ष करो संघर्ष करो, तो बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग बताया है, उत्तम मार्ग उन्होंने मध्यम मार्ग को बताया है। और वो मध्यम मार्ग यही है कि इस सत्य को हमें स्वीकार करना होगा कि अब हम इनके साथ इस तरह से नहीं लड़ सकते, हमें बुद्धि के बल पर लड़ना है। और वो बुद्धि के बल पर लड़ने के लिए हमारा शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मुझे इसी मंच से शिक्षा से जुड़ी बातें बार बार हो रही हैं तो एक मंच से अनुरोध करना है, सुबह से उनसे उनका जो एक आह्वान है वो सुन रही हूँ, वो बार बार कह रहे हैं कि हम एक कार्यालय बनाएंगे और हमें पैसा चाहिए और वो करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि यदि आपको करोड़ रुपया 2-3 स्कूलों में लगाएंगे और उन स्कूलों को फिर अपने छुट्टी
छुट्टियों के दौरान संडे को, सैटरडे को, शाम को कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए। कार्यालय के नाम पे मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़्यादा सक्षम एक आपका होगा। और इसी तरह से अगर यही मूवमेंट चलती रही तो 5 गांव लीजिए 10 गांव लीजिए उन गांव में एक एक स्कूल बनाना अपनी प्राथमिकता कर देंगे तो हमारे बच्चे बढ़ेंगे भी, आगे बढ़ेंगे। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो उनके अधिकारों को, उनके न्याय को, उनके लिए जो भी उनको चाहिए उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। उनको सब मिलेगा, उनको अधिकार भी मिलेंगे क्योंकि वो पढ़ लिख जाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो अपने आप वो लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, बुद्धि के बल पर लड़ाई लड़ेंगे। फिर वो इसी ने बाबा साहब की कलम उठाई है, उनका परिचय किताब और कलम है तो कलम की लड़ाई लड़ेंगे। और कलम की लड़ाई के लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा स्कूलों का खुलना। स्कूल खुलेंगे, हमारे अपने स्कूल होंगे, आप देखिए आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज विद्यालय, वहाँ सब हमारे कॉलेजों में भी यही काम होता है। उनका दिन रात उनकी प्लानिंग चलती है, वो एक तरह से उनके कार्यालय ही हैं। वहाँ बैठकर वो सारी योजनाएं क्रियान्वित करते हैं। लेकिन हम लोग भी यदि ऐसा कुछ कर सके, अगर आप इतना बड़ा उपक्रम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं इस स्तर पर जाने की, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग इसी तरह से सोचिए, हमारी बच्चियों के लिए स्कूल खोलिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोलिए और उन्हीं को आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि आप एक ही बिल्डिंग से कई सारे लाभ ले सकें। तो बाकी आपका जहाँ तक इसकी संगठन की बात है, संगठन के लिए आप समय लीजिए। जिस स्तर पर भी जो भी व्यक्ति जैसे भी सेवा कर सकता है उसको करनी चाहिए। जहाँ पर भी वो पहुँचा है उसको वहाँ पहुँचकर जिस भी मुकाम तक वो पहुँचा सकता है अपने लोगों को, उसे हर पल उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान भी है, संघर्ष भी है और अपने समाज को ऊंचा उठाने का एक जरिया भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।